everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. So I'm back with another review video, and today I'm going to review again a skincare product which is lotion. लास्ट टाइम मैंने एक फेस वॉश का रिव्यू किया था. ये जो लोशन है वो सेम रेंज से है, सेम ब्रांड से है. इवन इसका रिव्यू भी मैंने साथ के साथ ही किया था, बट कुछ क्लिप्स मिस होने की वजह से मुझे इसका रिव्यू जो है वो दोबारा से शूट करना पड़ा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स मूव ऑन टू वीडियो. एंड जिस प्रोडक्ट को आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है अगेन न्यू ब्रांड के कैरेट शीट रेंज से लोशन. एंड इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से है. इस रेंज में जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी पैकेजिंग सेम है, लेकिन फिर भी मैं दिखाना चाहूंगी. हो सकता है इस वीडियो को कुछ नए लोग देख रहे होंगे, तो इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से है. बहुत ही प्रीमियम सी इसकी पैकेजिंग है. इस रेंज में जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी पैकेजिंग सेम है. इवन जो इनर पैकेजिंग होती है, जो कंटेनर है, वो भी सेम ही है. जैसे ही आप इस बॉक्स को टर्न करेंगे इसके पीछे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी. इसका जो प्राइस है वो 650 रुपीज़ है, जिसमें आपको 300 ml की क्वांटिटी मिलती है, जिसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की. यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट मेंशन है. इसके आउटर पैकेजिंग पे जो भी इंफॉर्मेशन है सेम इंफॉर्मेशन आपको इनर पैकेजिंग पर भी मिलेगी. और जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शन शीट मिलेगी. इस शीट में आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी. ये जो प्रोडक्ट है वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और यहाँ पे कुछ डर्माटोलॉजिस्ट की लिस्ट भी है. और उसके बाद ये लिस्ट जो आपको दिख रही है ये उन चीज़ों की लिस्ट है जो कि इस प्रोडक्ट में नहीं है, जैसे कि इसमें सल्फेट नहीं है, इसमें पैराबिन नहीं है, और भी कई सारे हार्श केमिकल है जो इस प्रोडक्ट में नहीं है. इसमें विटामिन ए है, जैसा कि मैंने बोला कि ये कैरेट शीट रेंज है, तो कैरेट शीट में विटामिन ए होता है जो कि आपकी स्किन को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है. और उसके बाद इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो सेम ही है, जैसे कि मैंने बोला कि सेम ही जैसे इसके शैम्पू थे, कंडीशनर थे एंड फेस वॉश था, सेम वैसी ही इसकी पैकेजिंग है. इसके साथ भी एक पाउच मिलता है. इनके जितने भी प्रोडक्ट थे सबके साथ पाउच मिलता है, ताकि आप उसको कैरी कर सकें अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई मिस वगैरह क्रिएट ना हो. और अब थोड़ा सा डीप में जाते हैं, बात करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी की, इसके टेक्सचर की, इसके फ्रेग्रेंस की, इसके कलर की, और ये कितनी देर तक लास्ट करता है. तो सबसे पहले आपको इस तरह से ओपन करना है एंड यहाँ से प्रेस करना है. प्रेस करते ही ये प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल आएगा. और इसका जो कलर है, मुझे लगता है इस रेंज में जितने भी प्रोडक्ट है ना सिमिलर कलर है. आप देख सकते हो हल्का सा ऑरेंजिस टिंट है, और बिल्कुल लोशन वाला जो टेक्सचर होता है बिल्कुल वैसा ही है. ना तो बहुत ज़्यादा थिक है, ना ही बहुत ज़्यादा रनी है. और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी सेम ही है जो इसका फेस वॉश है, इसका शैम्पू है. एंड इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, बहुत ही यू नो स्मूथ है. ऐसा नहीं है कि कहीं पे रुक जाए. जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये आपकी पूरी स्किन में स्प्रेड हो जाएगा, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा. एंड इसकी फ्रेग्रेंस तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही माइल्ड सी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है. दूसरी चीज की मैं लोशन जो है वो सिर्फ विंटर में लगाना पसंद करती हूँ, समर में भी मैं लगाती हूँ, लेकिन ये जो ह्यूमिडिटी वाला टाइम होता है इसमें मैं बिल्कुल भी लोशन नहीं यूज करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा चिपचिप या कुछ ऑयली जैसा मुझे फील होगा. बट ट्रस्ट मी, इसमें बिल्कुल भी आपको चिपचिप ऑयली ऐसा कुछ नहीं होगा. मैं टेस्टिंग पर्पज से लगा रही थी इसको 15-20 दिन से, बट मुझे इसकी यू नो जैसे होता है ना कि आदत सी हो गई है. मैं जरूर इसको यूज करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, इवन बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. आप एक बार इसको यूज करेंगे और अगर बार बार हाथ नहीं धोते हैं तो ये काफी टाइम तक चलेगा. और इस टाइम तो लोग बार बार हाथ धोते भी हैं, लाइक हैंड वॉश वगैरह यूज करते हैं जो टाइम चल रहा है, तो स्किन भी कितनी ज्यादा ड्राई हो जाती है, आपके हैंड बहुत ज्यादा अजीब से लगते होंगे. अगर आप इसको यूज करेंगे ना तो आपके हैंड जो है बहुत ही अच्छे लगेंगे. आप देख सकते हो कितना हाइड्रेटेड लग रही है इसकी. इस रेंज के बाकी सारे प्रोडक्ट की तरह इसमें भी कोई हार्श केमिकल नहीं है, बहुत ही सेफ है. इसमें पैराबिन नहीं है, इसमें सल्फेट नहीं है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है. और सबसे अच्छी बात जो है इसकी वो ये है कि जब आप इसको यूज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा रेडिएंट फील होगी. आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि कितना स्किन जो है वो यू नो ग्लोई, और कितना ज्यादा आपको बहुत ही फ्रेश लग रहा होगा. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. इस टाइम में मैं बार बार हाथ को वॉश करती हूँ, पता है जो सिचुएशन चल रही है, तो मैं इसको हर बार यूज करती हूँ, बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ. अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इसको फेस पे भी यूज कर सकते हैं. इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये बॉडी लोशन है, ये लोशन है. आप इसको फेस पे यूज कर सकते हैं, आप इसको बॉडी पे यूज कर सकते हैं. मेरी स्किन जो है वो ऑयली है तो मैं इसको फेस पे नहीं यूज कर रही हूँ, बट मैं इसको हाथों पे तो मैं बहुत ज्यादा इसको यूज करती हूँ. एंड यू नो एक बार मैं एज अ बॉडी लोशन भी इसको यूज करती हूँ.
हूँ। एंड जिस तरह से अभी ह्यूमिडिटी का टाइम चल रहा है, ये बिल्कुल भी चिपचिप आपको फील नहीं होगा, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको बहुत ही फ्रेश फीलिंग आएगी। एंड ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम डीओ वगैरह लगाना, परफ्यूम वगैरह लगाना मिस भी कर देते हैं, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतने टाइम तक चलती है कि आपको फ्रेश फील होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने डीओ वगैरह या परफ्यूम वगैरह मिस किया है। तो स्किन केयर रेंज में जितने भी प्रोडक्ट थे उसमें से मुझे ये लोशन बहुत ज्यादा पसंद आया है। अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, नायका पे मिल जाएगा, एंड इस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। मैं सारी जगह के लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना। बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा, उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।